नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप लोगों का हमारी किचन में। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं घर पर पनीर। पनीर हम जब मार्केट का लाते हैं तो आपको इतना पता होता है कि वो प्रॉपर है या नहीं, उसमें क्या चीज़ की मिलावट की गई है, ऊपर से हमारे लिए कितना अनहेल्दी भी हो सकता है। तो इन सारी टेंशन को क्यों पालना, बल्कि घर पर आज से पनीर बनाना सीखें और ऐसे ही घर पर पनीर बनाएं जिससे आपकी हेल्दी मेंटेन रहेगी और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ सेम आप मुझे बस फॉलो करिएगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी किचन में, लेकिन किचन में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अगर मेरी रेसिपी इतनी ही पसंद आती है आपको तो बस लाइक कर दिया करें और जमकर शेयर कर दिया करें। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 लीटर दूध। ये 2 लीटर दूध हमारी घर की खुद की गौशाला से है तो प्योर है बहुत ज्यादा। साथ मैंने लिया है लेमन जूस। अब इसको बनाना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को लो फ्लेम पे आपने गर्म करने के लिए रख देना है और उसमें डालना है 1/2 ग्लास पानी। पानी इसलिए डालना है क्योंकि जो हमारा दूध है वो अंदर से नीचे से जलेगा नहीं, तो इसलिए आपको पानी जरूर डालना है और उसको अच्छे से बॉइल्ड होने देना है। अब पानी अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है तो अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अब दूध को अच्छे से हमें बॉइल होने देना है तो आप इसको हाई फ्लेम पर रख दीजिए ताकि दूध जल्दी से बॉइल हो जाए। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉइल्ड हो चुका है, लेकिन बॉइल होने के साथ में अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो उसमें मलाई आने लगेगी, तो अगर इसमें मलाई आ गई तो पनीर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना आए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी खुद की गौशाला का दूध ना हो तो आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करिएगा। अब ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए, जैसे जैसे इसमें उबाल आता रहेगा वैसे वैसे ये फटना शुरू हो जाएगा और पनीर अलग और पानी अलग होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे पनीर कितने अच्छे से अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको मलमल के कपड़े में छान लेना है। तो मैंने नीचे एक बर्तन लगा लिया है, ऊपर रख लिया है मलमल का या सूती कपड़ा, क्योंकि छन्नी से अगर आप छानेंगे तो बढ़िया नहीं छन पाएगा, इसलिए आप इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद में आपने इसमें पनीर ऐड करते जाना है। ध्यान रखिएगा पानी नहीं, सिर्फ पनीर डालना है। और साथ में अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी ताकि जो नींबू की खटास है वो अच्छे से पनीर से निकल जाए, एक तरीके से वो वॉश भी हो जाएगा और छन भी जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको अच्छे से इसका पानी निकाल कर इसकी एक पोटली बना लूंगी। अब इसको टाइट करके एक नॉट कर दीजिए, यानी गार्ड बांध दीजिए और उसको एक जगह रख दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो आपका पनीर इतना जबरदस्त तैयार हो चुका होगा। तो बस अब इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए और जब चाहें जो चाहें रेसिपी बना डालिए और अपने घर वालों को खिला डालिए। तो आपको भी अंदर से फील आएगा कि आप ओरिजिनल वाला पनीर खा रहे हैं, जो हमें कई बार फील आता ना यार पनीर तो खा रहे हैं पता नहीं कैसा बनाया होगा, कैसा दिया होगा, असली होगा या नहीं, तो वो वाली फीलिंग भी खत्म हो जाएगी और आपका टेस्ट भी बना रहेगा। तो ऐसे ही मैं हमेशा आपकी जीभ का और आपकी सेहत का ध्यान रखती रहूंगी, हमेशा कुछ नया लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।